ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का तीसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे उसको हम जानते हैं। उसके बाद फिर विकास और मानव विकास क्या होता है, ये हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट में है उसमें भी यह चैप्टर है जो वर्ल्ड के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम तैयार किया था। और अमर्त्य सेन का भी नाम आता है, अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये यानी सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, हम कह सकते हैं डॉक्टर महबूब उल हक हैं, अमर्त्य सेन का भी इसमें योगदान है। तो आता है ऑप्शन में, इसको हम ठीक करेंगे। 1990 में ये बताए थे महबूब उल हक, जो यह मानव विकास सूचकांक से संदर्भ में इनका इंडेक्स जारी किया गया था। तो सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं, सूचकांकों को भी देखेंगे कि कौन से आधार पे किसी देश की सूचकांक तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास के संदर्भ में, विकास की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम मानव विकास की बात करेंगे। ये विकास के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि विकास किसको कहते हैं, तब हम मानव विकास का हम जोड़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि पश्चिम तथा यूरोप देशों के आधार पे मानव विकास या विकास की क्या कैटेगरी तैयार की गई है। हम कह सकते हैं कि पश्चिम तथा जो यूरोपीय कंट्री है, तो उनका जो क्या विचार है, हम कह सकते हैं उनके विचारों में, यूरोपीय केंद्रित विचार में विकास क्या होता है, स्वतंत्रता को यहाँ पे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हम देखें पश्चिम तथा यूरोपीय केंद्रित विचार में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हम कह सकते हैं विकास के संदर्भ में अगर बात करें, तो पश्चिम तथा यूरोप केंद्रित जो देशों का विचार है उसमें स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि विकास के अंतर्गत और कौन 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 सी बातें हैं इन देशों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि विकास की अगर बात करें, अगर इसे हो गया तो मिटा देते हैं ताकि जो हम ठंडक में ये जम जा रहा है, जल्दी से विकास की बात करें। ये विकास, हम इस संदर्भ में बातें करते हैं विकास को जो यूरोपीय या हम पश्चिमी देश हैं वो क्या करते हैं इसमें, आधुनिकीकरण सुविधा समृद्धि, जिस देश में सुविधा ज़्यादा है, जिस देश में समृद्धि ज़्यादा है, समृद्धि का मतलब आप देखे होंगे कि अगर हम किसी को पता करना चाहें कि ये सुखी और समृद्ध है कि नहीं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, टाइम लगेगा। तो इनके कहने का मतलब यह है कि मानव विकास की अगर बात करें पश्चिमी और यूरोपीय देशों में, तो इन सभी सुविधा से है। यानी हम कह सकते हैं जिस देश में आधुनिकीकरण है वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वह देश समृद्धशाली है। यानी अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, तो जो स्मार्टफोन का जैसे भोजन है, नेट भराने की क्षमता हो, हमारे पास बाइक हो तो उसमें तेल भराने की क्षमता हो, हमारे पास अगर फ्रिज है तो उसमें फल रखने की, सब्जी रखने की, वस्तु रखने की क्षमता हो, उसको हम समृद्धशाली बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मोबाइल है और नेट भरा ही नहीं सकते हैं,
मेरे पास बाइक है उसमें पेट्रोल भरा ही नहीं सकते हैं, मेरे पास फ्रिज है उसमें अन्य संसाधन रख ही नहीं सकते हैं। तो हमारे पास साधन तो है लेकिन समृद्धशाली नहीं है, उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी से तात्पर्य समृद्धि, यानी आधुनिकीकरण से वह देश पूरी तरह से लैस हो। आधुनिकीकरण का मतलब है कि वर्तमान में जितने भी भौतिक संसाधन हैं उसका वह प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रयोग करता हो। आधुनिकीकरण जैसे उसके पास टेक्नोलॉजी हो, सभी तरह के ज्ञान विज्ञान उसके देश में हो, फिर सुविधाएं हर तरह की सुविधा हो, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, अभी इसके और भी हम बताते हैं, और समृद्धि सुविधा से, यानी सभी तरह के अगर ये सुविधा जिन देशों के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है उसी को हम बोलते हैं विकास, उसी को हम बोलते हैं विकास। और वर्तमान में हम इन सुविधाओं के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करेंगे उसको देखते हैं, यानी हम वर्तमान में इस सुविधा में कौन कौन सी बातें आती हैं उसका हम जिक्र करते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा ये विकास क्या है। और मानव की बात हम बाद में करेंगे, मानव विकास की बात हम बाद में करेंगे। तो आते हैं वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए कि वर्तमान में ये विकास में हम किन किन बिंदुओं की बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कंप्यूटरीकरण, यानी जिस देश में कंप्यूटरीकरण हो, सॉरी कंप्यूटरीकरण हो उसको भी हम कह सकते हैं, जिस देश में औद्योगीकरण हो, विकसित परिवहन हो, और संचार शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें, देखते हैं शिक्षा प्रणाली मजबूत हो, संचार के साधन हम कह सकते हैं, जो भी संचार के साधन हो आप देख ही सकते हैं, और आधुनिक चिकित्सा की बात करते हैं। मार्कर मेरा सही चल नहीं रहा है, एक मिनट। और उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करते हैं इसमें हम, व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी अगर हम वर्तमान में विकास की बात करें, जिस देश में कंप्यूटरीकरण हो, औद्योगीकरण है मैंने उद्योगों का वहाँ पे अधिकता हो, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता हो, वस्तुएं मिलती हो, सेवाएं मिलती हो, विकसित परिवहन यानी वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए कम लागत वाली परिवहन की सुविधा हो, जैसे मान लीजिए रेल हो, प्लेन हो, अगर पानी से जाना हो तो पानी वाला जहाज हो, तो इस तरह से विकसित परिवहन की बात, शिक्षा प्रणाली और हाई क्वालिटी की वहाँ पे एजुकेशन हो, फिर संचार यानी आप जितने आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी, जैसे हम 2G 3G की बात करते हैं, कुछ देशों में 5G है, 6G है, और भी संचार के बहुत सारे ऐसे साधन हैं। और आधुनिक चिकित्सा, यानी जो आधुनिक चिकित्सा वर्तमान में आप देख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, जिस मशीन के माध्यम से कम समय में हम सभी समस्या का समाधान, चाहे सर्जरी के दृष्टिकोण से देखें या जांच के दृष्टिकोण से देखें, तो आधुनिक चिकित्सा एक बेहतर चिकित्सा के रूप में काम आ रहा है, जो बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने में काम कर रहा है। व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी हम कह सकते हैं अगर ये सभी, यानी हम कह सकते हैं ये सभी जिस देश में है उस देश को विकास का प्रतीक माना है, हम कह सकते हैं ये सारे संसाधन जहाँ पे उपलब्ध हो उस देश को हम विकास का प्रतीक मानते हैं, यानी हम कह सकते हैं इन सभी से जो देश परिपूर्ण हो उस देश को हम विकास का प्रतीक मानते हैं। अगर जिन देशों में ये सारी सुविधाएं नहीं है हम कह सकते हैं वो देश विकसित नहीं है या विकास के श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्तमान में अगर हमने देखा विकास को तो आधुनिकीकरण और सुविधा और समृद्धि
जिस देश में ये सुविधाएं उपलब्ध है उसको हम विकास करते हैं, लेकिन वर्तमान पैमाने के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान पैमाने के दृष्टिकोण से जिस देश की नागरिक इन सभी सुविधाओं का सरलतापूर्वक अगर प्रयोग कर रहा है उसी को हम विकास का प्रतीक मानते हैं। तो आइए इसे मिटाते हैं यानी यहाँ लिखते हैं, हो सकता है कि आ जाए इसमें, हम कह सकते हैं कि इनकी उपलब्धता एवं गतिशीलता के आधार पर, इनकी उपलब्धता एवं गतिशीलता के आधार पर, इनकी उपलब्धता एवं गतिशीलता के आधार पर, क्या आधार पर, प्रति व्यक्ति समुदाय एवं सरकार की बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति समुदाय एवं सरकार, यानी हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति समुदाय और सरकार अपने कार्य के प्रदर्शन, यानी हम सकते हैं अपनी कार्य के प्रदर्शन, अपने कार्य के प्रदर्शन एवं विकास स्तर को मापते हैं, प्रदर्शन एवं विकास के स्तर को मापते हैं। हमने कहा कि यानी हम कह सकते हैं ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है, इनकी उपलब्धता, यानी इनकी उपलब्धता एवं गतिशीलता के आधार पर प्रति व्यक्ति समुदाय एवं सरकार अपने कार्य के प्रदर्शन एवं विकास के स्तर को मापते हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के संदर्भ में मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने आपको एक भूमिका आपको बताया, विकास क्या होता है इसका आप अध्ययन करिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में हम लेकर के आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव से रिलेटेड सूचकांक कैसे हम तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।